तो हेलो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं स्टेट टू हेवन चैलेंज। इस गेम में हमें राइट आंसर कर करके स्टेट के ऊपर चढ़ना है और जिसका आंसर गलत होगा उसे स्टेट से गिरा दिया जाएगा और फिर जो स्टेट से लास्ट तक पहुंच गया उसे सरप्राइज भी मिलेगा। तो दोस्तों ये रहे हम लोग और हमें पूरी 750 स्टेप्स को चढ़ना होगा। ओके गाइस, अब तो 740 स्टेप्स रह चुके हैं, सब तो बहुत जल्दी थक गए, हमें फौरन से ऊपर चढ़ना होगा। तरीके क्वेश्चन कहाँ से आ गया? और अगर हम लोगों ने इसका गलत आंसर दिया तो हम लोग शेर से नीचे गिरेंगे। ये क्या, ये डॉक्टर तो हमें इंजेक्शन लगा रही है। और ऑप्शन में आके हम लोग भाग जाएं, स्लैप करें या फिर रो पड़े। चलो गाइस, डॉक्टर को स्लैप करते हैं क्योंकि हमें तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। चलो बेटा, ये क्या किया, हमें तो 5 सीढ़ियां नीचे गिरा दिया। ओ नो नो नो, हम लोग तो नीचे जा रहे हैं। इस बंदे की वजह से हम लोग पूरे 5 स्टेप नीचे आ गए। अब हमें स्टेयर को वापस से चढ़ना होगा। ये तो कोई अंकल जी तो हमसे जल्दी ऊपर जा रहे, कहीं ये सरप्राइज ही ना जीत जाए। मुझे तो सबसे पहले सरप्राइज चाहिए। तो ये लड़की भी हमसे आगे निकलती जा रही है। मुझे तो लगता है हम लोग बस पहुँचने वाली है, जल्दी जल्दी करो। और सिंचाल बुद्धू कहेगी अभी तो पूरी 732 सीढ़ियाँ बाकी है। चलो चलो, अब हमें जल्दी से चढ़ना होगा। देखिए अब तो एक और क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में तो हमारा एग्जाम चल रहा है। ऑप्शन में आके हम लोग सो जाए। उल्लू के पट्टे, अगर हम लोग सो गए तो हम लोग दुड़म से नीचे गिरेंगे। चलो चलो फिर चीटिंग करते हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे एग्जाम तो आता ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं ना बेटा, अगर हम लोग ने चीटिंग की तो हम लोग चीटिंग से भी नीचे गिर सकते हैं, इसीलिए हमें एग्जाम खुद करना होगा। ये क्या आंसर तो हमारा ठीक था और हमें तो सिर्फ गोल्ड का सिक्का मिला है। चलो चलो फ्रेंड, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। कमोन कमोन कमोन, हम लोग कर सकते हैं, बस अभी तो पूरी 713 स्टेयर्स बाकी हैं। और हाँ, मुझे तो आगे कुछ दिख रहा है, चलो जल्दी से आगे स्टेयर्स पे चढ़ते हैं। क्या बात है गाइस, अब तो हम लोग बड़े हो चुके हैं। लेट्स गो, अब हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि आगे बहुत सारी स्टेयर्स बाकी हैं। और तरीके एक और ऑप्शन आ गया, हम लोग इस डॉग को अपने साथ रखे या फिर नहीं। ये डॉग हमारी ऊपर स्टेयर चढ़ने में बहुत मदद कर सकता है, इसलिए हमें इसे अपने साथ रखना होगा। तो अब मैंने इसे अपने साथ रख लिया और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये क्या, एग्जाम में तो हमारे 0 नंबर आए हैं। और ऑप्शंस में आके हम लोग इस एग्जाम को मम्मी को दिखाएं, डस्टबिन में फेंके या फिर इस एग्जाम वाले पेपर को तोड़ मोड़ को खा ले। मैं तो कहता हूँ हमें मम्मी को दिखा देना चाहिए। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, अगर मम्मी को दिखाया तो हमें बहुत जोर की मार पिटेगी। तो फिर इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर डस्टबिन से मम्मी ने देख लिया तब भी हमें मार पिटेगी, इसीलिए हम लोग इसे तोड़ मोड़ कर खाने वाले हैं। पैसा भी क्या हो गया, डोरी मोन के खाने की वजह से तो हमें अब 4 स्टेप नीचे जाना होगा। अरे बचा लो कोई, हम तो नीचे जा रहे हैं। इतनी मुश्किल से स्टेयर चढ़ी थी और अब हमें नीचे गिरना पड़ रहा है। बेटा तुम तो बार बार गिरते जा रहे हो। कमोन कमोन कमोन, अब हमें इन सबसे आगे बढ़ना होगा ताकि हम सरप्राइज जीत पाए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया फिर से। ओ माय गॉड, ये क्या क्वेश्चन में तो हमें 40 आई है और हमारे पास तो 3 ऑप्शन आए हैं। पहला ऑप्शन है क्या, हम लोग डैड के फेस के ऊपर 40 करें। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हमने डैड से मार खानी है। और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग डायपर में पट्टी करें। नो नो नो, डायपर में तो हमें बहुत उलझन होती है। तो चलो फिर जल्दी से टॉयलेट में पट्टी करते हैं। अरे वाह क्या बात है, आंसर तो हमारा ठीक हो चुका है। और हाँ दोस्तों, हम लोग पूरे 6 स्टेप्स ऊपर जाने वाले हैं। कमोन कमोन, अब तो हम लोग सरप्राइज जीत के दम लेंगे। ये क्या दोस्तों, चढ़े ही देखे, एक और क्वेश्चन है सबका। गाइस क्वेश्चन तो काफी मुश्किल होते हैं, हम लोग तो बार बार नीचे गिर जाते हैं। सरप्राइज जीतना है तो हमें क्वेश्चन का आंसर करना ही होगा। और क्वेश्चन आया कि हमें कार का शोरूम खोलना है। और ऑप्शंस में आके हम लोग चोरी करके कार ले लें या फिर पैसों से या फिर इस कार की जगह हम लोग साइकिल खरीदें। नो नो नो, चोरी नहीं करते, अगर हमने चोरी की तो हम लोग स्टेप से नीचे गिर जाएंगे। ओके, मेरे पास काफी ढेर सारे पैसे हैं, इसीलिए हम लोग पैसों से कार खरीद रहे हैं। क्या बात है, ये तो हमारा बहुत अच्छा था, इसलिए गाइस हम लोग ना स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे हैं। कमोन कमोन कमोन, हम तो इन सबसे आगे निकल सकते हैं। अरे वाह गाइस, क्या ही बात है, हमें तो गोल्डन की भी मिल चुकी है। ओके ओके लेट्स गो, अभी तो हम लोग काफी अच्छी तरह से जा रहे हैं गाइस। और अभी तो पूरी 655 स्टेयर्स बाकी हैं। तो अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ये देखो गाइस, अब तो हम लोग बड़े मैन में चेंज हो चुके हैं। अब मजा आएगा, अब तो हम लोग बहुत बड़े बड़े कदम उठाकर जल्दी स्टेयर को चढ़ेंगे। ओके लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। और ये क्या, क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ओ, इस क्वेश्चन में तो इस डॉगी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। हमारे ऑप्शंस में आया कि हम लोग इसे
जूता खिलाए या फिर इसे डॉग फूड खिलाए। चलो इसे डॉग फूड देते हैं। क्या ही बात है गाइस, हमारा तो बिल्कुल ठीक है और हम लोग तो पूरे 6 स्टेप ऊपर आने वाले हैं। कई बात है, हमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है ये गेम खेल कर। और तरीके एक और क्वेश्चन आ गया, और अगर हम लोग ने इस बार गलत आंसर दिया तो हम लोग गिरेंगे नहीं बल्कि मार जाएंगे। वो क्वेश्चन है कि हमें शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। अभी तो हम लोग हट्टे कट्टे हैं, चलो गाइस शिज़ुका से जल्दी से शादी कर लेते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या आंसर तो हमारा गलत हो गया और अब हमें मरना होगा। ये क्या हो रहा है, ये शेर तो खुल रही है और हम लोग तो नीचे गिर रहे हैं। इस गधे लोबिटो की वजह से हम लोग सरप्राइज जीतते जीतते मार गए। तो ये है गाइस हमारी नेक्स्ट गेम जिसमें हमें ना जजमेंट करनी है, और सबसे पहले तो हमें इस हैरी पॉटर की लाइफ देखकर इसको जज करना होगा। ओ तरीकी है, हैरी पॉटर तो अपनी इनविजिबिलिटी का बहुत गलत फायदा उठा रहे और लोगों पर नजर रखा है। ये तो बिल्कुल गलत है, इसीलिए गाइस हम लोग इसे हेल के टेल पॉइंट दे रहे हैं। और ये है इसकी लाइफ का नेक्स्ट पार्ट। इसने तो ये बिल्कुल गलत किया, अपने दोस्त की सिस्टर के साथ डेट कर ली, इसीलिए हम लोग 10 पॉइंट और इसे हेल के दे रहे हैं। इसने तो जिंदगी में सिर्फ एक ही काम अच्छा किया है और 2 काम पूरे किए, इसीलिए गाइस ये हम लोग ना हेल में भेज रहे हैं। प्लीज चढ़ दो मुझे, मैं तो तुम्हें मालो माल कर दूंगा। और ये है गाइस पुलिस वाला और अब हमें इसे जज करना होगा। ओके गाइस, ये है इसकी लाइफ का पहला पार्ट। मैं तो इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने तो क्रिमिनल को पकड़ लिया। तो चलो हम लोग इसे ना 10.7 के दे रहे हैं। ओ ये है इसकी जिंदगी का सेकंड पार्ट और इसमें तो इसने क्रिमिनल को सजा भी दी है। ये भी इसने जिंदगी में अच्छा काम किया, चलो हम लोग ना इसे 10 पॉइंट और स्वर्ग के दे रहे हैं। और तरीके तो इसके साथ बहुत बुरा हुआ, इसे तो जॉब से निकाल दिया और इसने तो पुलिस वालों से बदला लेने के लिए एक गैंग में हायर हो गया। गाइस ये तो इसने बहुत बुरा किया, चलो हम लोग ना इसे नर के 10 पॉइंट दे देते हैं। और ये है इसकी लाइफ का नेक्स्ट पार्ट। और अब तो ये क्रिमिनल बन चुके, उसे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया लेकिन ये अभी भी नहीं सुधरा और प्रिजन में भी ना अपना गैंग बना लिया है। तो अब इसे हम लोग नर के 10 पॉइंट दे रहे हैं। अब तो फैसला करना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि इसके एवन के भी 10 पॉइंट और हेल के भी 10 पॉइंट। गाइस फैसला तो हमें करना ही होगा। गाइस इसके साथ तो जिंदगी में बहुत ही बुरा हुआ था, इसीलिए गाइस इसने क्रिमिनल की लाइफ चुन ली। चलो हम लोग ना फटक से इसे हेवन में भेज देते हैं। तो ये है गाइस हमारा नेक्स्ट लेवल, और इस लेवल में गाइस हमें एक को हेल में भेजना है और एक को हेवन में। और हाँ फ्रेंड, एक साइड पर तो थोरा और दूसरी साइड पर जैरी। इस जैरी के बच्चे ने तो अपनी पूरी जिंदगी में टॉम को तंग किया है, लेकिन दूसरी साइड पर थोर ने तो अपनी पूरी जिंदगी में लोगों की मदद की है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम लोग थोर को हेवन और इस जैरी को हेल में भेज रहे हैं। उत्तर की गाइस ये देखो, ये रहा नेक्स्ट लेवल। और एक साइड पर तो गाइस शिज़ुका और दूसरी साइड पर डिक्की सुगी। गाइस ये हमारे पास बहुत ही बेस्ट मौका है कि हम लोग इस डिक्की सुगी को ना नर्क में भेजे और इस शिज़ुका को हेवन में। तो चलो फिर ऐसा ही करते हैं। ये देखो हमने शिज़ुका को हेवन में भेज दिया और डिक्की सुगी के बच्चे को हेल में। तो चलो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर मस्त लगी है तो फटक से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।